बदोसराय से निकाली गई साइकिल यात्रा, हजारों की तादाद में पहुंचे समाजवादी समर्थक। बाराबंकी 5 अगस्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर छोटे लोहिया समाजवादी चिंतक स्वर्गीय श्री पंडित जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अंतर्गत बदोसराय चौराहे से रामनगर तहसील तक समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह गोप के नेतृत्व में बीजेपी की सरकारों के खिलाफ साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व कारागार मंत्री राकेश कुमार वर्मा ने समाजवाद के पुरोधा स्वर्गीय राम सेवक यादव जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बहराइच की तरफ साइकिल यात्रा के लिए निकले। पूर्व कारागार मंत्री राकेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेणु वर्मा ने स्वर्गीय राम सेवक यादव जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बदोसराय चौराहे पर साइकिल यात्रा निकाली, जो कि पारजात होते हुए कटुआ धाम तक साइकिल यात्रा पहुंची, जिसमें पूर्व कारागार मंत्री राकेश कुमार वर्मा के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राकेश कुमार वर्मा जिंदाबाद, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेणु वर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए और 2022 में साइकिल को जिताना है, गांव गांव अखिलेश समाजवादी का संदेश का नारा दिया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेणु वर्मा के समर्थकों ने हर्षोल्लास के साथ रैली में शामिल हुए। समाजवादी साइकिल यात्रा का शुभारंभ समाजवादी चिंतक एवं विचारक समाजवाद के प्रोधा स्वर्गीय राम सेवक यादव जी की मूर्ति पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने माल्यार्पण किया। साइकिल यात्रा के रामनगर पहुंचने पर छोटे लोहिया पंडित स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी के चित्र पर पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने माल्यार्पण किया। अरविंद कुमार सिंह गोप ने कहा कि हम सबके नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यह साइकिल यात्रा करने का मकसद देश व प्रदेश में डीजल पेट्रोल गैस की बेतहाशा बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, व्यापारी किसान मजदूर महिलाओं का उत्पीड़न, सपा नेताओं पर फर्जी मुकदमे, किसानों को गुलाम बनाने वाले कृषि बिल, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी, सपा नेता श्री आजम खान साहब की रिहाई के लिए तथा तमाम ऐसी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यह साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश भर में चलाई जा रही है। अरविंद सिंह गोप ने कहा कि जब तक इस सरकार को बदला नहीं जाएगा, देश खुशहाल नहीं होने वाला है, इसलिए हम सब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। आने वाले 2022 में श्री अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तब जाकर उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा। इनकी इन बातों पर उनके समर्थकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया और अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अरविंद सिंह गोप जिंदाबाद के नारे लगाए। टीवी इंडिया 18 के लिए बाराबंकी फैजाबाद मंडल के साथ बाराबंकी ब्यूरो चीफ पब्लिक रिपोर्ट। अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता अखिलेश जी ने स्वयं आज साइकिल चलाई लखनऊ में, छोटे लोहिया आदि जयेश्वर जी की बढ़िया गोष्ठी हुई, उनके विचारों से नौजवानों को अवगत कराया गया। गरीब किसान नौजवान व्यापारी सब आज परेशान है। ये साइकिल यात्रा का उद्देश्य है कि चुल्मी जाली सरकार को काट फेंको, समाजवादी पार्टी की सरकार लाओ, केजी को मुख्यमंत्री बनाओ। मैं रामनगर के विधानसभा के सारे नेताओं को सिरोली का उसको रामनगर सूरज से बधाई देंगे। केवल साइकिल यात्रा बड़ी ही नहीं थी, जबरदस्त जन समर्थन पूरे रास्ते रामनगर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।